हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑफ यू। फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर एस के रमन आपका स्वागत करता हूं राठौर आई एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक और बहुत जटिल टॉपिक भी है, जिसमें से आमतौर पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम PCS का हो, चाहे वो UPSC का हो, इवन अपने जो दूसरे एग्जाम होते हैं जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे SSC टाइप जो एग्जाम होते हैं, वहां पर भी बहुत सी बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और वो टॉपिक है हमारा डिफेंस से रिलेटेड, हमारी जो सुरक्षा प्रणाली है, डिफेंस से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मिसाइल्स। आपने बहुत सी बार न्यूज़पेपर में या किसी भी दूसरे कारणों से जब भी कोई भारत का मिसाइल प्रक्षेपित किया जाता है तो आपने मिसाइल्स के बारे में जरूर सुना होगा। लेकिन आमतौर पर हमारे सामने जो थोड़ी सी परेशानी आ जाती है इसको याद रखने में कि कौन सी मिसाइल किस प्रकार की है, उसकी कितनी दूरी तक मारक क्षमता है, वो कैसे टाइप की है, बैलिस्टिक है या क्रूज है, वो सरफेस टू सरफेस है या एयर टू सरफेस है या एंटी टैंक मिसाइल है। तो ये बहुत सा एक जटिल ये हमारा प्रकरण है और इस बहुत से कम्प्लेक्स जटिल प्रकरण के कारण हम बहुत सी बार मिसाइलों का नाम याद नहीं रख पाते या उनके टाइप्स को याद नहीं रख पाते। तो इन सब परेशानियों को हल करने के लिए आज हम इस टॉपिक को बहुत ही सरल सिंपल तरीके से और एक सिस्टमिक तरीके से समझेंगे, ताकि हमें सभी मिसाइल्स का नाम याद रखने में, उसके टाइप्स याद रखने में, उसके कार्य को याद रखने में कोई परेशानी नहीं हो। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मिसाइल है क्या। सबसे पहले हम जानेंगे कि व्हाट डू वी मीन बाय मिसाइल। मिसाइल आप सब जानते हैं एक हथियार है, हमारा एक वेपन है जो अपनी मारक क्षमता के लिए, अटैकिंग कैपेसिटी के लिए जाना जाता है, और इसके द्वारा हम कन्वेंशनल या न्यूक्लियर वारहेड यानी कि परमाणविक हथियार या अपने जो परंपरागत हथियार होते हैं गोला बारूद टाइप का, उसको हम दुश्मन तक मार्क करने के लिए, उसको अटैक करने के लिए हम यूज करते हैं। और इस मिसाइल्स का इतना इंपोर्टेंस, इतना महत्व क्यों होता है कंपेरेटिवली रूप से बंदूक की तुलना में, स्टैनगन की तुलना में या तोप की तुलना में, आज मिसाइल का इतना अहमियत क्यों है? क्योंकि मिसाइल के द्वारा हम लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं और एक मिसाइल दूसरे देश के अंदर तक जाकर के, एक जगह से बहुत दूर जगह तक जाकर के वो मार कर सकती है, जितनी मार कोई भी तोप का गोला या कोई भी बंदूक की गोली या दूसरा जो कन्वेंशनल हमारे पास जो हथियार थे वो परंपरागत हथियार उतनी दूरी तक मार्क नहीं कर सकते, अटैक नहीं कर सकते जितनी दूरी तक मिसाइल कर सकता है। इसलिए किसी भी देश के जो डिफेंस सिस्टम होता है उसकी सुरक्षा प्रणाली में मिसाइल्स का अहम योगदान होता है। तो हम देखेंगे कि मिसाइल है क्या। मिसाइल जो है वो इस सिद्धांत पर काम करती है कि जो प्रक्षेप गति, जिसको कि प्रोजेक्टाइल स्पीड भी बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल स्पीड क्या है, प्रक्षेप गति क्या है, कि जब किसी भी मिसाइल जो है वो प्रक्षेप गति के आधार पर काम करती है, प्रोजेक्टाइल स्पीड के आधार पर काम करती है। प्रोजेक्टाइल स्पीड क्या है, हम जानते हैं हमारे एक भौतिकी फिजिक्स का एक नियम है कि जब किसी भी पिंड को हम 45 डिग्री के एंगल पर प्रोजेक्ट करते हैं तो वो मैक्सिमम दूरी तक तय करता है। यानी कि जब किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को, किसी भी पिंड को हम 45 डिग्री के एंगल पर रख करके उसके उसकी शक्तिशाली प्रहार के साथ, एक वेलोसिटी के साथ, एक स्पीड के साथ, एक पावरफुल पुश के साथ हम उसको जब आगे धकेलते हैं, उसको पुश करते हैं, तो वो जो पिंड है या वो वस्तु है मैक्सिमम दूरी तक, अधिकतम दूरी तक जो है वो दूरी तय करती है। और इसी आधार पर जो हमारी मिसाइल्स बनाई गई हैं, इसके अनुसार मिसाइल जो है वो बहुत अधिक दूरी तक अपने हथियार को ले जाकर शत्रु पक्ष को मारने के लिए, उसकी मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, उसको अटैकिंग पावर को बढ़ाने के लिए उसको यूज किया जाता है। और इसका जो प्रोजेक्टाइल है या इसका जो प्रोजेक्शन है वो हमेशा 45 डिग्री के एंगल पर किया जाता है, जिससे कि जो मिसाइल बहुत अधिक दूरी तक जाकर के दुश्मन को मार सके। तो इसका यूज कैसे किया जाता है, कहां कहां इसका यूज है मिसाइल्स का। आमतौर पर मिसाइल्स का जो यूज है वो टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक तरीके से, उसका दो प्रकार से यूज किया जाता है, टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक। टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक यूज क्या है। टैक्टिकल का मतलब तात्कालिक, युद्धकालिक। इसका मतलब है कि युद्ध के दौरान जब आमने सामने दो सेनाओं में युद्ध हो जाता है तो उस समय
तत्कालिक आमने सामने की सेना को मारने के लिए जो यूज किया जाता है वो हमारा है टैक्टिकल यूज। लेकिन जब कभी कभार सिर्फ आमने सामने की बात नहीं आती बल्कि एक देश दूसरे देश को पर पावर बनाने के लिए, उस अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए या उसे डराए रखने के लिए भी मिसाइल्स का यूज किया जाता है, जैसे कि आपने देखा है रूसिया के द्वारा या अमेरिका के द्वारा एक देश से दूसरे देश के ऊपर प्रभुत्व जमाने के लिए, अपनी पावर को बनाए रखने के लिए मिसाइल को डराने के लिए यूज किया जाता है। और उन्होंने अलग अलग एरियाज में जैसे क्यूबा में या सी ऑफ चाइना में अपने कुछ मिसाइल्स तैनात करते हैं ताकि वो शत्रु देश में बहुत अधिक दूरी तक उसके अंदर तक जाकर के वो मार कर सके आवश्यकता पड़ने पर। तो इससे दूसरे देश में क्या है, एक दूसरे देश के प्रति एक दबाव का, एक डर का भय माहौल रहता है और उस देश के बीच में पावर ऑफ बैलेंस बना रहता है। तो ये यूज है स्ट्रेटजिक, हिंदी में इसको सामरिक कहते हैं। और जो टैक्टिकल और स्ट्रेटजिक यूज है ये आमतौर पर मिसाइल्स का जो है वो सिर्फ एक यूज के बारे में बताता है कि कब कहां मिसाइल का यूज किसी भी देश के द्वारा किया जा सकता है। लेकिन उसकी जो मुख्य बात है मिसाइल्स के बारे में वो बात आती है जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो परीक्षा प्रणाली के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है हमारा मिसाइल्स कितने प्रकार की होती है, उसके क्लासिफिकेशन का ग्राउंड क्या है, हम किस किस आधार पर मिसाइल को बांट सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। हम मुख्य मुख्य पांच टाइप के आधार पर या पांच बातों के आधार पर मिसाइल्स को अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग क्लासिफिकेशन में उसका वर्गीकरण कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं। वो पांच आधार क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन अटैकिंग कैपेसिटी, मार्क अक्षमता के आधार पर हम मिसाइल को बांट सकते हैं। दूसरा हमारा आधार है बेस्ड ऑन डिस्टेंस, हम दूरी के आधार पर भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कि कोई मिसाइल कितनी दूर तक मार्क कर सकती है, इसके आधार पर भी मिसाइल को अलग अलग टाइप में बांटते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमारा ग्राउंड है, पॉइंट है उसे क्लासिफाई करने का, वो है बेस्ड ऑन टारगेट, कि टारगेट के आधार पर किस मिसाइल को कैसे बांटा जाएगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, कि किस मिसाइल को किस प्रकार से लॉन्च किया जाएगा, किस प्रकार से उसको छोड़ा जाएगा, इसके आधार पर भी मिसाइल का अलग अलग क्लासिफिकेशन किया जाता है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण और जो मोर इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है वो है उसके चक्राकार पथ के आधार पर, ट्रेजेक्टाइल पाथ के आधार पर भी इसका वर्गीकरण किया जाता है। और ट्रेजेक्टाइल पाथ के आधार पर, चक्राकार मार्ग के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है वो है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का। तो इस ग्राउंड पर, इस पॉइंट के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया है, अब उसके बाद हम देखते हैं एक एक पॉइंट के आधार पर कितना कितना उसका क्लासिफिकेशन और टाइप्स है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेस्ड ऑन अटैकिंग कैपेसिटी, अटैकिंग कैपेसिटी के आधार पर मिसाइल कितने प्रकार का है। अटैकिंग कैपेसिटी के आधार पर मिसाइल को हम पांच प्रकार में बांट सकते हैं, वो पांच प्रकार कौन कौन से हैं। सबसे पहले सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस टाइप की जो मिसाइल्स हैं वो सतह से सतह पर मार करती हैं, यानी कि आमने सामने खड़े दुश्मन को मार करती हैं, वो हवाई फायर नहीं करती, वायुयान को अटैक नहीं करती, वो ग्रह को अटैक नहीं करती, बल्कि आमने सामने खड़े दुश्मन को अटैक करती हैं। उसके अलावा दूसरा टाइप है, जैसे देखो सरफेस टू सरफेस का एग्जांपल है अपनी जैसे पृथ्वी मिसाइल, अग्नि मिसाइल, जो हमारी भारत की पृथ्वी और अग्नि मिसाइल प्रणाली है वो सरफेस टू सरफेस का एग्जांपल है। दूसरी इसमें टाइप है सरफेस टू एयर, जो ऐसी मिसाइलें हैं वो विमान को मार गिराने के लिए प्रयोग की जाती हैं, और ये धरती पर से यानी कि सतह पर से, अर्थ पर से एयर में अटैक करती हैं, वायुयान पर अटैक करती हैं। और आमतौर पर ऐसी मिसाइल का जो प्रयोग है वो दुश्मन सेना के एयरप्लेन्स को गिराने के लिए, उनके जो वायुसेना के जो हवाई जहाज हैं उनको गिराने के लिए किया जाता है। भारत में ऐसी मिसाइल का एग्जांपल है त्रिशूल। तीसरा टाइप है एयर टू एयर, ऐसी मिसाइल जो है एक विमान से दागी जा सकती हैं, हवा से हवा में प्रहार करती हैं, उनको दागने के लिए हमें एयरप्लेन का प्रयोग किया जाता है, और सामने वाले जो सेना का, सामने वाली शत्रु सेना के जो एयरप्लेन्स हैं उनको मार गिराने में ऐसी मिसाइल का प्रयोग किया जाता है। भारत में ऐसी मिसाइल का प्रयोग जो टाइप है वो अस्त्र मिसाइल, एयर टू एयर टाइप की मिसाइल है। अगला टाइप है एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस मिसाइल में एयर टू एयर मिसाइल की अपेक्षा थोड़ा सा अंतर हो जाता है। ऐसी मिसाइल जो है वो हवा से धरती पर प्रहार करती है, यानी कि उसको वायुयान के द्वारा आकाश में ले जाकर के आकाश से धरती पर छोड़ा जाता है, एयरप्लेन से सरफेस पर छोड़ा जाता है, और
धरती पर जो टारगेट है वो उसको अटैक करती है और डायरेक्ट उसको टारगेट पर अटैक किया जाता है। भारत में ऐसी मिसाइल का एग्जांपल निर्भय मिसाइल, ये जो निर्भय मिसाइल है ये एयर टू सरफेस मिसाइल है। इसके अलावा पांचवा टाइप है एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक मिसाइल का जो यूज है वो टैंक रोधी मिसाइल है। इसका जो प्रयोग है वो दुश्मन सेना के टैंक को नष्ट करने के लिए किया जाता है। भारत में नाग एंटी टैंक मिसाइल का एग्जाम्पल है। तो फ्रेंड्स ये जो पांच टाइप है ये है मिसाइल की अटैकिंग कैपेसिटी के आधार पर। दूसरा जो हमारा क्लासिफिकेशन का ग्राउंड था वो था बेस्ड ऑन डिस्टेंस। तो बेस्ड ऑन डिस्टेंस के आधार पर जो टाइप्स हैं मिसाइल्स के उसको हम तीन टाइप्स में बांट सकते हैं। वो तीन टाइप्स कौन कौन से हैं, सबसे पहले हम देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस, मीडियम डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस। जो लॉन्ग डिस्टेंस की जो रेंज है उसको आमतौर पर हम चार टाइप्स में बांट सकते हैं। जो लॉन्ग डिस्टेंस की मिसाइल होंगी उसके चार टाइप्स होंगे। वो चार टाइप्स कौन कौन से होंगे, देखो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसको कि आमतौर पर आप सुर्खियों में सुनते होंगे, जैसे अमेरिका द्वारा या पीछे से उत्तरी कोरिया के द्वारा बीएमटी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल थी उसका जो प्रक्षेपण किया गया था। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्या है, वो एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थित देश पर अटैक करने के लिए प्रयोग की जाती है। इनकी जो दूरी है वो 15,000 किलोमीटर तक हो सकती है और एक देश एक द्वीप महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थित देश पर अटैक करने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग करता है। दूसरा सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स। सबमरीन बैलिस्टिक मिसाइल्स का प्रयोग शत्रु देश की पनडुब्बियों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। तीसरा टाइप इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, ये मध्यम दूरी की मिसाइल्स होती हैं। आमतौर पर इनकी जो मारक क्षमता है वो 8-9,000 किलोमीटर के आसपास तक होती है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, आमतौर पर इनको 1,000 किलोमीटर की आसपास तक शॉर्ट रेंज मिसाइल्स को दूरी को माना जाता है। मीडियम रेंज मिसाइल्स या मीडियम डिस्टेंस मिसाइल, शॉर्ट डिस्टेंस मिसाइल, इनकी जो डिस्टेंस की जो मारक क्षमता है वो आमतौर पर कम होती है, नियर अबाउट 1,000 किलोमीटर के आसपास तक। इसके अलावा जो हमारा क्लासिफिकेशन ग्राउंड था वो है बेस्ड ऑन टारगेट, कि टारगेट के आधार पर भी हम मिसाइल को क्लासिफाई करते हैं। वो टारगेट कौन कौन से होंगे, किसके आधार पर मिसाइल को क्या नाम दिया जाएगा, टारगेट के आधार पर हम चार टाइप्स में मिसाइल को बांट सकते हैं। वो चार टाइप्स हमारी एंटी टैंक मिसाइल, एंटी पर्सनल मिसाइल, एंटी शिप मिसाइल या वारशिप भी आप कह सकते हो। चौथा टाइप से हमारा एंटी सैटेलाइट मिसाइल। अब इसमें क्या है, एंटी टैंक मिसाइल में हम शत्रु देश के टैंक को आक्रमण करते हैं, टैंक पर अटैक करते हैं और वो डायरेक्ट टैंक को नष्ट करते हैं। एंटी पर्सनल मिसाइल्स, इसको कार्मिक रोधी मिसाइल भी कहते हैं, यानी कि ये शत्रु देश की सेना को वहां के व्यक्तियों को टारगेट करती है और सेना को जैसे आर्मी पर्सन को नष्ट करती है। तीसरा टाइप है एंटी वारशिप या मशीन, जो समुद्री लड़ाकू विमान होते हैं इनको ये मिसाइल टारगेट करती है और शत्रु देश के लड़ाकू समुद्री जो विमान है उसको नष्ट करती है। चौथी है एंटी सैटेलाइट मिसाइल, ये उपग्रह प्रणाली को नष्ट करती है। जैसे पीछे ही आपने चाइना के बारे में सुना होगा कि उन्होंने एक ऐसी मिसाइल का जो प्रक्षेपण किया था जिन्होंने वहां के उपग्रह को मार गिराया था। तो एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल है वो किसी भी देश की एक सूचना सिस्टम को, संचार सिस्टम को बाधित करने के लिए, वहां का जो हमारा एक इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको डिस्टर्ब करने के लिए एंटी सैटेलाइट मशीन का प्रयोग किया जाता है। भारत के संदर्भ में भी हम देखें, यदि हमारे इनसेट प्रणाली के जो उपग्रह या दूसरे जो सैटेलाइट हैं, यदि हम कोई शत्रु देश उसको नष्ट कर दे तो आज हमारे पास जो संचार के आधुनिक साधन है उसका जो कम्युनिकेशन है वो बाधित हो जाएगा, चाहे वो रेडियो से है, टेलीविजन से है या और भी बहुत से दूसरे जो कम्युनिकेशन है वो ठप हो जाएंगे। तो इस शत्रु देश का जो टारगेट होता है वो एंटी सैटेलाइट मिसाइल को भी प्रमुखता से वो तवज्जो देते हैं, ताकि किसी जरूरत पड़ने पर किसी देश का जो संचार सिस्टम है, कम्युनिकेशन सिस्टम है, उसको ठप किया जा सके, बाधित किया जा सके। इसके अलावा जो फोर्थ हमारा जो क्लासिफिकेशन का ग्राउंड था वो है बेस्ड ऑन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म, कि किसी मिसाइल को किस प्रकार से छोड़ा जाएगा, किस प्लेटफॉर्म से छोड़ा जाएगा, इसके आधार पर भी हम मिसाइल्स को पांच टाइप्स में बांट सकते हैं। और वो है शोल्डर बेस्ड मिसाइल, यानी कि ये छोटी लघु दूरी की अलग दूरी की मिसाइल्स होती हैं और इसको हम जो है कंधे से छोड़ सकते हैं, कंधे से उसको हम लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा है
ऑन अर्थ प्लेटफॉर्म पृथ्वी पर स्थिर या गतिमान प्लेटफॉर्म से किसी भी मिसाइल्स को हम लॉन्च कर सकते हैं। उसके आधार पर हम प्लेटफॉर्म के आधार पर भी मिसाइल्स का एक क्लासिफिकेशन होता है, एक वर्गीकरण होता है। इसके अलावा तीसरा इसमें वर्गीकरण है एयरप्लेन से, यानी कि किसी विमान से मिसाइल को छोड़ा जा सकता है। चौथा क्लासिफिकेशन है वारशिप या सबमरीन से। हम किसी मिसाइल को जो समुद्री विमान है, समुद्री लड़ाकू विमान है या हमारी जो पनडुब्बियां हैं उनसे भी हम मिसाइल को छोड़ सकते हैं। तो पांचवा टाइप है स्पेस से दागी जाने वाले मिसाइल। हम अंतरिक्ष में ले जाकर के रॉकेट की सहायता से भी किसी मिसाइल को छोड़ सकते हैं। तो ये मुख्य मुख्य जो ग्राउंड हैं किसी भी मिसाइल को बांटने के। इसके अलावा सबसे और अधिक महत्वपूर्ण इसका जो ग्राउंड है वो ट्रेजेक्टाइल पथ के आधार पर, चक्राकार पथ के आधार पर जो वर्गीकरण है जिसमें बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का है, इसको हम करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।